हाँ जी हाँ जी, फ्रेम नहीं मिल रहा क्या उन्हें? बोले फ्रेम नहीं मिल रहा है। हेलो आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हेलो 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 नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ धाम में जारी है रेस्क्यू अभियान, अब तक लगभग 7,000 से अधिक लोगों को किया गया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत बचाव कार्य की समीक्षा। भारत की सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग पूरी दुनिया के लिए है मिसाल। दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, जलवायु रोधी फसल से जुड़े शोध और विकास को दिया जा रहा है बढ़ावा। और पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास, मेंस सिंगल्स के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचने वाले देश के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बने, पदक से सिर्फ एक जीत दूर। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर आज राहत और बचाव अभियान का तीसरा दिन है। अभी तक लगभग 7,000 श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। बचाव अभियान को तेजी के साथ पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर के प्रयोग के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आपको बता दें कि 31 जुलाई की रात्रि को श्री केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रशासन के अनुसार काफी लोगों का बारिश के चलते और नेटवर्क न रहने के कारण उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इनमें से रेस्क्यू के बाद काफी लोगों का उनके परिजनों से संपर्क हो गया है और अधिकांश लोग अपने घर सकुशल पहुंच भी गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भजाणे ने बताया कि कतिपय माध्यमों से ऐसी भी सूचनाएं चल रही हैं कि पूरे घटनाक्रम में बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों की सूचना पुलिस के पास है, लगभग सभी अपने घरों को पहुंच गए हैं। किसी भी तरह से अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उस पर विश्वास न करें। अगर आपका परिजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। याद है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पर जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पर ऐसी सूचनाएँ चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो आदमी सभी लोग अपने घरों पर जो है वो पहुँच गए हैं। तो किसी भी तरह की ऐसे अगर कोई भ्रामक सूचनाएँ फैलाता है तो उस पर विश्वास ना करें। अगर आपका परिवारजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से ज़रूर संपर्क करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो प्रयास में आपके सहयोग के लिए है। आप जो आपके परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से या कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएँ नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह शासकीय आवास से रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वर्चुअली बात की। इस दौरान उन्होंने आपदा संबंधित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का निरंतर अनुश्रवण कर रहे हैं। वहीं बीती रात मुख्यमंत्री ने गृह सचिव शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे से प्रदेश में आपदा की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में फंसे यात्रियों की सकुशल वापसी की व्यवस्था के साथ केदारनाथ पैदल मार्ग से आवाजाही भी सुनिश्चित कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अतिवृष्टि के कारण सड़कें बाधित होने की स्थिति में उनको सुचारू करने में कम से कम समय लिया जाए। उन्होंने पुल टूटने पर बैली ब्रिज बनाकर जल्द से जल्द आवागमन को सुचारू किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को पेयजल और विद्युत की सुचारू आपूर्ति हो।
मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं रखने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्ग में अतिवृष्टि के कारण यदि कहीं पर मार्ग बाधित होते हैं या आगे कोई खतरा प्रतीत होता है तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक लिया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आपदा के दृष्टिगत हर समय अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान से जुड़े अपडेट्स के लिए बात करते हैं देहरादून से अपने संवाददाता सचिन कुमार से। सचिन, क्या हालात है वहां पर, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से जो है केदारनाथ में जो है आपदा देखने को मिली है, वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो है आज सुबह जो है तमाम अधिकारियों के साथ जो है बैठक की है, उसमें जो है प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, गढ़वाल कमिश्नर मौजूद थे। उन्होंने फीडबैक लिया कि कहीं भी किसी प्रकार के जो है जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अभी तक जो है 7,000 से ज़्यादा लोगों का जो है रेस्क्यू कर दिया गया है। वहीं राज्य के जो है 4 हेलीकॉप्टर और 2 वायुसेना हेलीकॉप्टर लगातार जो है वहाँ पर रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं। वहीं 600 से ज़्यादा लोगों का जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर दिया गया है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए हैं जिन लोगों का संपर्क जो है अपने जो उनके परिजन है उनसे नहीं हो पा रहा था, जो प्रशासन है लगातार उनके परिजनों से प्रशासन जो है संपर्क कराने का काम कर रहा है। जी सचिन, देखिए मौसम और बाधित पार्क में अपडेट आपको बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है कहा है, जी देखिए, जिस प्रकार से जो आज मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने जिस बारिश को लेकर अलर्ट किया है, लेकिन हाँ, एक तरफ जो है बारिश भी देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार आज सुबह से जो है करीबन 3 बजे से वहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन है उन्होंने जो है अपडेट बताया कि आज सुबह से जो है रेस्क्यू चलाया जा रहा है। वहीं नया अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है आज सभी को जो है जो श्रद्धालु हैं सभी को वहां से जो है तत्काल प्रभाव से जो है सुरक्षित जो है निकाल लिया जाएगा। जी ठीक सचिन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारत में इस सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हो रहा है। 6 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए सतत खेती की जरूरत पर ध्यान देना है। यह सम्मेलन वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को उजागर करेगा और कृषि अनुसंधान नीति में देश की प्रगति दर्शाएगा। सम्मेलन में लगभग 75 देशों के 1,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सस्टेनेबल फार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। बड़े पैमाने पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में होगा। 23 अगस्त तक चलने वाले सत्र के लिए अनंतिम प्रस्तावित कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 21, 22 और 23 अगस्त को विधानसभा सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित करने का फैसला लिया है। इस ओर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। यह विधानसभा का सत्र 21, 22, 23 अगस्त को होना है और भराड़ीसैंण में ये सत्र होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा पिछला सत्र हुआ था अगस्त के माह में, ये हमें करना ही था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रक्षाबंधन के बाद 21, 22, 23 अगस्त को ये
विधानसभा का सत्र आहूत होगा। भारत के युवा बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चाउ टियन चेन को मात देकर अंतिम चार में जगह बनाई और इतिहास रचा। लक्ष्य ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगले मैच में उनका सामना मौजूदा ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सल सेन से होगा। अगर लक्ष्य विक्टर को हराकर सेमीफाइनल में जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना लेते हैं तो वह देश के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लेंगे। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उनके पिता डी के सेन प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी बेंगलुरु में बैडमिंटन कोच हैं। लक्ष्य सेन भी इसी अकादमी से जुड़े हैं। लक्ष्य सेन के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अल्मोड़ा में हर्ष का माहौल है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।